कैसे हो आप सब? कौन ऑनलाइन है? ग्रुप में मैसेज करो सबको। अच्छा, हाँ जी शायस्ता, हेमंत, सिद्धा, क्या हाल है? रोली कार का ग्रुप में मैसेज करो कि सब ऑनलाइन हो नजर। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी करो। हाँ जी, हो गया ऑनलाइन आप लोग? काम था कोई। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है वो एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स पे था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे उसको, हम कंटिन्यू करेंगे।
काफी सारी चीजें हमने इसमें देख लेंगे। क्लासिफिकेशन हमने लॉ देख लिया था, क्रिमिनल लॉ देख लिया था, ठीक है। और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ इन इस क्लासिफाइड एज हमने देखा था, ठीक है। फेलनी हमने देखा था, सिविल लॉ देखा था, सिविल लॉ पे हमने एक बहुत बड़ी डिबेट भी की है। इसके अलावा हमने देखा था, टॉर्ट देखा था कि टॉर्ट क्या है, नेग्लिजेंस देखा था जिसमें ये बंदा जो है ये गया हुआ था मालदीव में घूमने के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अलावा क्या था, नेग्लिजेंस था। नेग्लिजेंस में हमने क्या देखा था, कैसी हो मुबशरा, तुम्हारी प्यारी सी स्माइल मुझे याद आ रही है, हैं है मुबशरा। अच्छा ठीक हो गया। तो अब हमने इसके साथ हम देख रहे थे, टॉट हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। हमने फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने थे नेग्लिजेंस की, जिसमें सबसे पहले हार्म है। हार्म क्या है, हार्म जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हार्म मस्ट हैव अकर्ड टू एन इंडिविजुअल इंजरी टू इंडिविजुअल, ठीक है। हार्म जो है वो होता है जो लोगों को पहुँचाया जाता है इंडिविजुअल्स को। इंजरी विच इज़ द बेसिस ऑफ हार्म, ऐसी इंजरी जो के बेस हो हार्म की, ठीक है। एंड डैमेजेस, और इसके अलावा जो डैमेजेस होते हैं, इंजरी क्या है जो के बेसिस ऑफ हार्म पे होती हैं, और डैमेजेस क्या है इन विच इंक्लूड द कॉन्सिक्वेंसिस टू द पर्सन ऑफ द इंजरी, ठीक है। आर कंसीडर्ड सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सम, ठीक है। ड्यूटी क्या है, द नेग्लिजेंट पर्सन मस्ट हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर ही और शी हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टूवर्ड्स अ पर्सन हार्म्ड, ठीक है। ड्यूटी क्या है, नेग्लिजेंट जो पर्सन है उसको ऐसे को मस्ट हैव बीन इन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हो वेयर ही और शी हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिधर जिसमें जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और ड्यूटी हो टूवर्ड्स पर्सन हार्म, जिसको जो है वो हार्म पहुँचाया जा रहा है या पहुँचाया गया है उसके ऊपर वो ड्यूटी की जाए। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है, द पर्सन मस्ट बी फाउंड टू हैव फेल्ड टू फेल टू फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऐसा पर्सन जो अपनी जो फेल हो जाए अपनी ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। This might include either doing what should not have been done, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, what should not have been done के जो है वो क्या नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, commissions of inappropriate action, ठीक है। फिर उसके बाद और फेलिंग टू डू वट शुड हैव बीन डन के क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कमीशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एक्शन और ओमिशन ऑफ नेसेसरी अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। तो क्या करना चाहिए था और नहीं किया, और के क्या नहीं करना चाहिए था और वो किया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज फेलिंग टू एक्ट एज अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज फेलिंग टू एक्ट, यानी कि ये इसको इस तरह से भी लिया जाता है कि कोई पर्सन जो है वो फेल हो जाए किसी भी टाइप का एक्ट करने में रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन के तौर पे, ठीक है। कॉजेशन क्या है, द हार्म और इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव बीन कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। कॉजेशन में क्या है, द हार्म और इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव बीन कॉज्ड बाय द, कॉजेशन में क्या है कि जो हार्म और इंजरी हुआ है उसके बारे में शो किया जाए कि कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी
और वो जो है वो ड्यूटी की वजह से हुआ है, उसको ड्यूटी ब्रीच करने की वजह से है, उसको कॉजेशन देना ज़रूरी है, यानी कि उस चीज़ का उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए। जिस वजह से जो नुकसान हुआ है उसे क्रेडिट दिया जाए। नेहा आवाज़ बाकियों को कोई इशू आ रहा है आप लोगों को आवाज़ का? सिमरा, मिशेल, सुलेमान, कोई आवाज़ का इशू है आप लोगों को? नेहा आप अपना थोड़ा सा रीस्टार्ट करके देखो, ठीक है? मेल प्रैक्टिस क्या है? मेल प्रैक्टिस इज अ टर्म यूज टू आइडेंटिफाई प्रोफेशनल नेगलिजेंस, ठीक है? मेल प्रैक्टिस जो है वो टर्म है जो कि यूज की जाती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके नेगलिजेंस को। और इसके अलावा लाइबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर, लाइबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय द प्रोफेशन फॉर विच द पर्सन हैज बीन एजुकेटेड। ये भी गुड होने का। अच्छा नेहा, फिर बाकी सबका तो ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप ना अपना रीस्टार्ट करके देख लो। नेहा नुजत को मैसेज, नुजत नेहा को मैसेज करो कि वो अपना रिस्टार्ट करे नेट को। मेल प्रैक्टिस जो है ये टर्म है यूज़ की जाती है क्यों? ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके प्रोफेशनल नेगलिजेंस को। और लाइबिलिटी क्या है? ये रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, जब कोई इम्प्रॉपर प्रैक्टिस की जाती है तो ये उसके रिजल्ट में होती है। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, किस पे बेस करती है? स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर पे, रिक्वायर्ड बाय द प्रोफेशन, जो कि रिक्वायर्ड होता है बाय प्रोफेशन फॉर विच द पर्सन हैज बीन एजुकेटेड, जिसके लिए वो बंदा जो है वो एजुकेटेड हुआ है, ठीक है? इसको यानी कि अगर कुछ कर भी सकता था लेकिन नहीं किया, ठीक है? लाइबिलिटी का में जो है रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर प्रैक्टिस, जो कि इम्प्रॉपर प्रैक्टिस की गई है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर पे, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसको फॉलो ना करते हुए इम्प्रॉपर प्रैक्टिस की गई, रिक्वायर्ड बाय द प्रोफेशन, उस पर्सन के लिए जो कि उसके लिए प्रोफेशनली जो है वो सूटेबल है, और जिसके लिए फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन एजुकेटेड, और जिसके लिए उसे पढ़ाया गया था, ट्रेंड किया गया था। जैसे कि नर्सिस हैं, नर्सिस को क्या है कि ट्रेन किया जाता है कि वो पेशेंट्स के लिए काम करें और मेडिकेशंस और नर्सिंग केयर और ओवरऑल हर चीज़, लेकिन अगर वही अपना काम जिसके लिए वो ट्रेन की गई हैं अगर वो नहीं करती तो इसमें किसका फॉल्ट है? नर्सिस का, ठीक है? तो ये किस में आ जाता है? मेल प्रैक्टिस में। लाइबिलिटी क्या है? अ लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है या एक लाइबिलिटी जो है वो एक ऑब्लिगेशन है या डेब्ट है दैट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, जो कि लॉ की तरफ से जो है वो एनफोर्स किया गया है, ठीक है? और अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी टॉर्ट, एक कोई भी ऐसा पर्सन जो कि गिल्टी पाया जाता है किसी भी टॉर्ट की वजह से, वेदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, इज कंसीडर्ड लीगली लायबल, और चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो वो लीगली लायबल होता है और लीगली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आउटकम, ठीक है? टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में क्या है? पर्सनल लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी है और सुपरवाइजरी लाइबिलिटी है। पर्सनल लाइबिलिटी क्या है? एन एजुकेटेड प्रोफेशनल, यू आर ऑलवेज लीगली रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर योर एक्शंस, ठीक है? मतलब ये कि एक एजुकेटेड प्रोफेशनल जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए एजुकेट किया गया है, वो उसके लिए लीगली, हमेशा वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने, और लायबल होता है अपने काम के लिए, अपने एक्शन के लिए। दस इफ अ फिजिशियन और सुपरवाइजर आस्क यू टू डू समथिंग दैट इज कॉन्ट्रेरी टू योर बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट एंड से आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है?
क्या है कि दस इफ़ अ फिजिशियन और सुपरवाइजर आस्क यू टू डू समथिंग, अगर आपको कोई भी फिजिशियन या सुपरवाइजर कहता है कि आपने ये काम करना है, दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू योर बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट, आपकी बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट पे होना चाहिए, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये काम करना है, एंड से यस आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कहना है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, दैट पर्सन इज एक्टिंग अनवाइजली, ठीक है. द फिजिशियंस और द फिजिशियन और सुपरवाइजर गिविंग द डायरेक्शन मे बी लायबल एज इफ हार्म रिजल्ट्स, बट दैट वुड नॉट रिमूव योर पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है. कि फिजिशियन या सुपरवाइजर जो है वो कोई भी आपको डायरेक्शन दे रहा है, तो डायरेक्शन में भी लायबल ऑल्सो इफ हार्म रिजल्ट, अगर रिजल्ट उसका हार्म में भी हो सकता है जो भी वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, बट दैट वुड नॉट रिमूव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी. लेकिन फिर भी चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वो आपके पर्सनल लायबिलिटी को ख़त्म नहीं करता, वो आपके ऊपर रहती ही रहती है, वो आपके ऊपर रहती है, और वो आपने करनी ही करनी होती है, अपनी ड्यूटी आपने करनी ही है, भले वो आपको कह दे कि इसका रिजल्ट हार्म में होगा या पॉजिटिव होगा, बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना. तो अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब आपको कोई सीनियर ये कहता है कि आपकी ड्यूटी है आज आपने ऐसे मैनेज करना है कि पेशेंट को हम मेडिसिन भी ना दें और हम सारी डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहें, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि पर्सन जो है वो जो है कि उसने तो आपको ऑर्डर दे दिया और वो चला गया, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, आपके लिए क्या नुकसान होगा कि डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी है, साइन तो आपके हैं, पकड़े तो आपने जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एट द एंड आपकी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है. ये क्या है, ये पर्सनल लायबिलिटी कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. फिर एम्प्लॉयर लायबिलिटी है, एम्प्लॉयर लायबिलिटी क्या है, इन मैनी इंस्टेंस एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय. क्या है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉयर जो है उसको कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टॉर्ट के लिए, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, लेकिन कमिट किया गया है बाय द एम्प्लॉय, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट रिस्पोंडिएट सुपर सुपीरियर, यानी कि लैटिन फॉर द लेट द मास्टर रिस्पोंड, ठीक है. और इसको क्या है, रिस्पोंडिएट सुपर सुपीरियर बोला जाता है इसको, ठीक है. लैटिन में इसको क्या कहा जाता है, क्या बना हुआ है कि लेट द मास्टर रिस्पोंड, के जो आपका सीनियर है या इंचार्ज है उसको रिस्पोंड करने दो. The law holds the employer responsible for hiring qualified person, establishing an appropriate environment for correct functioning, maintenance, correct policies and procedures, and providing supervision or direction as needed to avoid errors or harm. अच्छा रोसा, रो तो ना, बस कर पगली, रुलाएगी हमें क्या. हमारी भी लाइट जाती है, खाली तुम लोगों की तरफ बारिश नहीं होती, हमारे यहाँ भी होती है.
एसएनसी बारिशों के बगैर नहीं है, एसएनसी में भी कोई खुदा ने रखी हुई है चीजें। लॉ जो है, लॉ क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर हायरिंग क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, जो बंदा हायर करता है ये उसकी जो सीनियर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा बंदा जो है वो कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। तो क्या आप उस टाइम में डिपेंड करता है, मैटर करता है कि आप उसका क्या उसको गाइड करते हो, क्या उसकी हेल्प करते हो, ठीक है। तो क्या आप उस टाइम में किसी को अकॉर्डिंग टू जॉब सेलेक्ट करते हो या नहीं करते हो? तो जिसकी अगर कोई इस काबिल है कि उसकी एजुकेशन इतनी है कि वो कैपेबल है तो हमें उसको उस जॉब के लिए लेना चाहिए। तो इस तरह की जो हायरिंग है वो हमारे जो जो सीनियर मैनेजमेंट है कि उसके ऊपर मैटर करता है, डिपेंड करता है। और इसके अलावा क्वालिफाइड पर्सन लिया जाए, एस्टैब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर करेक्ट फंक्शनिंग, और उसको ऐसा एनवायरनमेंट भी दिया जाए कि वो उस अच्छे से जो है वो फंक्शनिंग भी कर सके। और मैं आपको बताऊं कि एक बंदा है, आप ये एग्जांपल ले लो, अब जैसे मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं वो कहते हैं क्लिनिकल वे कि मैडम मैं आईसीयू ही करना चाहता हूँ और मैंने आईसीयू नहीं अभी तक किया, मेरी आईसीयू में ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है, मैं आईसीयू ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ये जो मेरी आईसीयू में ड्यूटी लगा दो, मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, इस तरह के बच्चे कमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह जब एम्प्लॉयज़ आते हैं न्यू, तो किसी का आईसीयू में स्पेशलाइज होता है, किसी का पीड्स में होता है, और कोई जो है वो ज़्यादा लेबर रूम में काम करके आया होता है। तो उस टाइम में जो बंदा जो डिमांड कर रहा होता है उसको वही चीज़ दे देनी चाहिए। उससे ये होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो है प्रॉपरली अपना काम कर सकता है, प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सकता है, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप किसी को हायर करते हो प्रॉपर हायरिंग हो और हायरिंग के बाद उसको प्रॉपर प्लेस दी जाए, ऐसा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि करेक्ट फंक्शनिंग हो सके, मेंटेन हो सके, करेक्ट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइडिंग सुपरविजन और डायरेक्शन एज नीडेड टू अवॉइड एरर्स और हार्म, ठीक है। अब आप ये देख लो कि शालामार में यही रूटीन है, जब भी कोई बंदा आता है नया तो उसको जहाँ वो चाह रहा होता है उसकी ड्यूटी वहीं नहीं लगती, बस बाकी हर जगह लग जाती है। इसी तरह आप लोगों के क्लिनिकल का भी इशू आता है, जहाँ पे आप चाह रहे होते हो जहाँ आपने नहीं किया होता हर दफ़ा वहीं लग जाता है। एक मुझे अब पुराने बैजिस के बच्चे थे, वो कहते थे मैडम मैंने 3 साल हमें तीन दफ़ा हमने क्लिनिकल किए और तीनों दफ़ा ही हमने जो है वो मेल सर्जरी में ही किए, हमारी ड्यूटी चेंज ही नहीं होती, हर दफ़ा घूम फिर के वहीं लग जाती है। बल्कि आप ही लोग कहते थे, मेरा ख्याल आपका बैजी कहता था। तो यहाँ पे बेसिक इशू क्या आता है कि सबकी रोटेशन हो, सबको प्रॉपर फंक्शनिंग का, लर्निंग का, और मैं जो पॉलिसीज हैं उसका मेंटेन करने का, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उनका टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि फॉर एग्जांपल देख लो कि अगर एक जो है वो टीएल है या कह लो कि कोई स्टाफ है जो कि आम जनरल वार्ड्स में ड्यूटी करके आया, उसको आईसीयू में टीएल बना दो तो क्या वो काम कर सकता है? क्या वो पॉलिसी और प्रोसीजर्स को मेंटेन कर सकता है? क्या वो प्रॉपर सुपरविजन और डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है? ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो उसके बाद सुपरवाइजरी लायबिलिटी में क्या आती है, इन द रोल ऑफ द क्लिनिकल लीडर, ठीक है। अब इसमें टीएल्स आ जाते हैं हमारे, चार्ज नर्स हैं, यूनिट मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं और एनी अदर रोल हैं दैट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ अदर पीपल, ठीक है। द नर्स इज पोटेंशियली लायबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स। अब जो सुपरवाइजरी लायबिलिटी है उसमें रोल आ जाता है जो क्लिनिकल हमारे लीडर्स हैं, हमारी नर्सिस हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं और अदर रोल हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जॉब डेलीगेशन के लिए, जो कि जॉब्स लगाते हैं, एलोकेशन करते हैं, ड्यूटीज़ दी जाती हैं, या सुपरवाइज करना जिनकी ड्यूटी है, या डायरेक्शन देना अदर्स को, जैसे कि डी एल सारा दिन इन्वॉल्व रहती है, ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, या मैनेजर आता है, सिस्टर एक्टिविटी आती है, कोई भी आता है, ये काम ये करो, इस तरह से मैनेज करो, तो ये डायरेक्शन हैं, ठीक है।
the nurse is potentially liable for the action of others. और इसके अलावा नर्सिस रिस्पॉन्सिबल होती है दूसरों के एक्शन के लिए भी. कैसे? कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो बदला किसको जाता है? आपके सीनियर को, ठीक है, आपके सुपरवाइजर को, आपके मैनेजर को और आपके पीएल को. जवाब उनसे मांगा जाता है, हाँ भाई इसने ये काम ऐसे कैसे किया. तो इसी तरह ये जो है सुपरवाइजरी लाइबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज भी है, सिर्फ आप ही नहीं हो. तो जिसके अगर दिमाग में जिन लोगों को ये गलत फहमी होती है ना कि अगर बच्चे ने स्टाफ ने ये गलती कर दी तो हम इसे पकड़वाएं, तो वो फिर सारा जवाब बात आ जाती है मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है, अब जैसे आप लोग हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ. आप लोग जब आप लोगों ने पेपर देने होते हैं, मैंने यहाँ पे देखा है कि टीचर आप लोगों से ज़्यादा दुआ कर रहा होता है कि बच्चे पास हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस आ जाती है फिर टीचर्स की भी. तो यहाँ पे सुपरवाइजर लाइबिलिटी में आ जाती है, सुपरवाइजरी लाइबिलिटी में टीचर्स कि अगर बच्चों का रिजल्ट गंदा आएगा तो इट्स मीन कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ाया नहीं है. तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाने के बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती है, हम उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है फॉलो करने के लिए, बैकअप के लिए. इसलिए अब मैं बाद में पीछे से आपको एग्जाम देखा, जैसे एग्ज़ाम लेट है अभी नहीं होने तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग ढीले पड़ गए. अदरवाइज़ क्या था कि बार बार चीज़ें भेज रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, एग्जाम वो भेज रहे हैं, लेक्चर्स भेज रहे हैं और ये वो MCQs भेज रहे हैं ताकि आप लोग कहीं भी ढीले ना पड़ो और आपका एग्ज़ाम जो है वो कहीं पे भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा, आप किसी और का लिंक ले लो या आप अपनी जगह चेंज करो. समरा अक्सा से कांटेक्ट करो, उसे कहो कि अपनी जगह चेंज करे, तो हो सकता है उसका थोड़ा सा क्लियर हो जाए मसला. ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आवाज़ ठीक आ रही है ना. अच्छा, अब समझ आ गई आपको लाइबिलिटी क्या है. लाइबिलिटी हम कहेंगे सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है. लाइबिलिटी क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, दैट कैन बी एनफोर्स बाय द लॉ, जो कि लॉ ने फोर्स किया हुआ. अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी टॉर्ट, किसी भी टाइप के, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, इसके लिए आपको फोर्स किया गया है, ये आपको एक टास्क दिया गया है, ये आपके ऊपर जो है वो एक है. अब अच्छी लग रही है? अच्छा, तो क्या है कि अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी टॉर्ट, किसी भी टाइप के टॉर्ट के साथ गिल्टी पाया जाता है, इज कंसीडर्ड लीगली लायबल, वो लीगली लायबल पाया जाता है, लीगली रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है फॉर द आउटकम्स, जो भी उसका रिजल्ट निकला वो ही रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि लाइबिलिटी उसने कंधे पे उठाई हुई है, यानी कि उसने जिम्मेदारियाँ उस चीज़ के लिए जो भी रिजल्ट निकले उसका, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी हर चीज़ उसके कंधे पे हैं कि भाई तू सही कर या गलत का जवाब दे तू ही है. तो इसलिए इन शॉर्ट या टेक होम मैसेज आज आप लोगों का ये है कि जब आप कहीं भी काम करते हो तो गलत अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, गलत मशवरे दे रहा. अब मैं आपको बताऊं, जब मेरा आप लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये स्टेटमेंट दी है कि मैडम हमें तो सीनियर ने कहा कि 12 बजे के वाइटल साइन माफ कर देते हैं. मैडम 12 बजे के वाइटल साइन तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, याद है आपको? काफ़ी सारे लोग ये कहते थे. तो ये जो प्रैक्टिस है ना ये रॉन्ग है, ठीक है. तो इसमें क्या है कि आप अगर आप किसी के कहने पर इस तरह का काम करते हो और प्लस अपने साइन भी करते हो तो उसमें पकड़ा कौन जाता है? वो बंदा जिसके साइन हुए होते हैं, जिसने वो काम किया होता है. तो बजाय इसके कि आप किसी के मशवरे पे लग के, किसी के कहने पे लग के गलत काम करो, तो कोशिश ये करो कि आप अवॉइड करो, आप ये चीज़ ना करो, ठीक है, आप वो काम ही ना करो. आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है. तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी है, पर्सनल लाइबिलिटी है. और इसके अलावा एम्प्लॉयर पर्सनल में क्या है, जो भी काम आप खुद करते हो उसके लिए आप करवा दे. एम्प्लॉयर लाइबिलिटी क्या है, जो उसको हायर करता है और फिर उसको आगे एनवायरनमेंट वैसा दे, उसको प्लेटफॉर्म दे कि वो अच्छे से काम कर सके, वो एम्प्लॉयर लाइबिलिटी है. सुपरवाइजरी क्या है, जो उसको सुपरवाइज करता है वो है. तो ये सारी स्टेप वाइज चलती हैं, ठीक है. अब मैं इसको सामने बताऊँ, जैसे कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक बंदा है, आपकी पर्सनल, आपकी जो पर्सनल लाइबिलिटी को अगर हम एडवाइज करें तो एज एन एजुकेटेड प्रोफेशनल, कोई भी बंदा जो कि एजुकेटेड है,
ठीक है, उसकी यू आर ऑलवेज लीगली रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर योर एक्शन। आप जो भी काम करते हो आप उसके लिए जवाबदेह हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। दस इफ अ फिजिशियन और सुपरवाइजर आस्क यू टू डू समथिंग दैट इज कॉन्ट्रेरी टू योर बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट, आपको कोई भी फिजिशियन या सुपरवाइजर कह देता है कि आपने ये काम करना है, तो ये क्या है, ये आपकी बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए और से यस आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर जो काम दिया गया है वो आपने करना है या नहीं करना, आप उसके लिए जवाब दे सकते हो। आप रिफ्यूज कर सकते हो कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, आप उसके लिए हाँ कर सकते हो या ना कर सकते हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अगर किसी के लिए हार्मफुल है तो, जैसे कि अगर कहा जाता है, मैंने आपको याद है काफ़ी दफ़ा ये एग्जाम्पल दिया है कि ये कहा जाता है कि पेशेंट की सपोर्ट बंद कर दो, पेशेंट को सपोर्ट ना लेगा, तो क्या आप लोगों के ख्याल में क्या है कि क्या ये हरकत सही है? पेशेंट को अगर सपोर्ट ना दी जाए, पेशेंट हैवी कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, बीपी हाइपोटेंशन में है और उसे जो है वो उसकी जो आइनोट्रोपिक सपोर्ट जा रही है वो ही बंद कर दी जाए, तो क्या ये बात सही है? द फिजिशियन और सुपरवाइजर इज गिविंग द डायरेक्शन मे बी लायबल, दैट पर्सन इज एक्टिंग अनवाइजली। उसने आपको ऑर्डर दिया है कि भाई आपने ये काम करना है, तो वो उसका जो काम है वो अनवाइजली है, उसने जो पर्सन ने जो एक्ट करना है वो अनवाइजली है या किया है। द फिजिशियन और सुपरवाइजर गिविंग द डायरेक्शन मे बी लायबल इफ हार्म रिजल्ट्स, ठीक है, जो फिजिशियन ने या सुपरवाइजर ने आपको डायरेक्शन दी है वो लायबल हो सकती है अगर उसका हार्म रिजल्ट जो है वो हार्म की सूरत में, ठीक है। बट दैट वुड नॉट रिमूव योर पर्सनल लाइबिलिटी, लेकिन फिर भी भले उसने ऑर्डर दिया है लेकिन आपकी लाइबिलिटी इस पर ख़त्म नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल फिर भी आप ही रहोगे, ठीक है। हाँ जी सित्रा, आप ठीक है? हाँ जी, आवाज आ रही है? और मैंने माइक बिल्कुल मुंह के पास कर लिया जैसे हम फोन पर बात करते हैं। पर्सनल लाइबिलिटी जो है, इन शॉर्ट में आपको बताऊँ कि आपको कोई भी गलत मशवरा देता है, कोई भी गलत काम देता है, एज अ प्रोफेशनल एज अ एजुकेटेड पर्सन आपको पता है कि सही और गलत क्या है, आपने अपने दिमाग पर सोचते हुए वो एक्शन लेना है। आप हर एक काम में परफेक्ट हो सकते हो, कैसे कि अगर आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो, अगर कोई कहता है आपको ये डर रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने फलाने बंदे का फलाना काम रिफ्यूज़ कर दिया तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, आपने इस चीज़ का डर नहीं रखना, क्योंकि अगर डॉक्टर ने आपको कहा सपोर्ट बंद कर दो आने टॉप और आपको पता है कि पेशेंट बच सकता है, आपको ये उम्मीद है और आप चाहते हो कि वो बच जाए, तो अगर आप उसको रिफ्यूज़ करते हो तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कि आप अपने राइट पे हो, ठीक है, आप ये कहते हो कि मेरी नज़र में ये गुनाह है, जब तक पेशेंट की ज़िंदगी है हमें चाहे वो स्पोर्ट के टाइम पे जी रहा है, तो आपको पता है मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, लाशें उठ के बैठ जाती हैं, उनके अंदर जान आ जाती है वापस, तो हम ये कैसे उम्मीद छोड़ दें कि ये बच ही नहीं सकता? तो जब हमारी उम्मीद और आस ऊपर वाले से लगी होती है तो कभी भी कुछ भी मौजूदा हो सकता है, तो इसलिए हमने अपने हाथों से वो काम नहीं करना। जिसने मुँह से लफ्ज़ निकाल दिए उसका कुछ नहीं किया, लेकिन जब आपने स्पोर्ट बंद की तो मसला होता, ठीक है। वेंटिलेटर कहते हैं उसका बुक, खाली खाली इंफ्रियन चला, खाली ड्रिप चलाई जाए।
हाँ जी इंशा, आवाज आ रही है आप? एम्प्लॉय लाइबिलिटी क्या है? इट मे इन मैनी इंस्टेंस एन एम्प्लॉयर कैन बी अनएम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड अच्छा उजमा को आ रही है, ठीक है ठीक है, आ रही है बिल्कुल। मैंने रीस्टार्ट किया और मैं बोल भी काफ़ी ऊंचा रही हूँ। चलो ठीक है। अच्छा उस टाइम सिर्फ नजफ कह रही थी, नजफ थी कौन थी वो बच्ची उस टाइम? वो ही सिर्फ नेहा कह रही थी, तो अगर आप मुझे उस टाइम कहते तो मैं तभी रीस्टार्ट कर लेती, बाकी सबको तो ठीक आ रही थी, सबने का क्लियर आ रही है। चलो एनीवेज अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हाय हाय बेचारी बेचारी अक्सा के काम। अच्छा अब हमने टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी देखा है, इसमें हमने पर्सनल लाइबिलिटी देखा है। पर्सनल लाइबिलिटी क्या है कि अगर आपको कोई गलत काम करने का कहता है कि आप सुबह के 8 बजे के नोट्स लिख के 10 बजे के लिखने के बाद 12 बजे के लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे के अगर वाइटल साइन है तो बस एक ही दफ़ा ले लो, इस तरह के जो गलत काम कहता है वो आपने नहीं करने, क्योंकि आप उसके लिए पर्सनली भी लाइबल हो, क्योंकि जब आपने वाइटल साइन मार्क किए हैं तो कोई भी पूछेगा कोई भी कुछ कहेगा तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ ये वाइटल साइन मैंने लिए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो उसके लिए आपने उनसे अवॉइड करना है, और आप क्यों क्यों करना है, आपने इस तरह की बातों को एक्सेप्ट नहीं करना जो कि किसी के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं और वो आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पर्सनली लायबल हो, आप पर्सनली आंसरेबल हो, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एम्प्लॉय लाइबल में क्या होगा? एम्प्लॉय लाइबिलिटी में क्या है? इन मैनी इंस्टेंसेस एम्प्लॉय कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टोट कमिटेड बाई एम्प्लॉय, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयर है यानी कि जिसने उसे रखा है, जिसने उसे हायर किया है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए? टोट के लिए जो कि कमिटेड है बाय एम्प्लॉय। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पॉन्डियंट सुपीरियर, ठीक है, यानी कि जो सुपीरियर है वो इसके लिए सुपीरियर रिस्पॉन्डेंट है, जो वो इसके लिए जवाब दे है, क्यों? क्योंकि उसने उसको हायर किया है, उसने हायर किया तो वो जवाब देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास उस वक्त मौका था कि वो जब उसे रख रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से देखे, उसकी एजुकेशन देखे, उसका काम देखे कि क्या सपोर्ट करता है उसका काम उसको या नहीं। अब आप अगर जो है उनको नर्स एड्स को आप रख लो नर्सिंग के लिए और फिर बाद में पता लगे कि उसने इंजेक्शन गलत लगा दिया या बीपी सही नहीं ले रहा, तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? वो कंपनी और वो हॉस्पिटल और वो एम्प्लॉयर जिसने उसे हायर किया हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डॉक्टर एंड रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर, ठीक है, इसको कहा जाता है लेट द मास्टर रिस्पॉन्ड, कि अब वो जवाब दे जिसने उसे रखा है, ठीक है। ये अभी बात रखने वाले की। अब हम बात करेंगे थर्ड पे उस बंदे की, चलो इसको कंटिन्यू। द लॉ होल्ड्स द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग क्वालिफाइड पर्सन। लॉ क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हायर करे किसी क्वालिफाइड पर्सन को और इस्टेब्लिश करे एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर करेक्ट फंक्शनिंग, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाए, प्रोवाइड किया जाए जिसमें करेक्ट फंक्शनिंग कर सके कोई भी बंदा और इसके अलावा मेंटेन कर सके करेक्ट पॉलिसीज़ को और प्रोसीजर्स को, ठीक है। तो इन चीज़ों का को इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि अब नर्सिस की जगह कुछ, अब आपको इसकी इस चीज़ की एग्जांपल पता है कि जैसे काफ़ी सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि उन्होंने नर्सिस की जगह अनट्रेन्ड नर्सिस रखी होती हैं जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, क्यों? क्योंकि जो नर्स है उसे 30,000 देना पड़ेगा और जो अनट्रेन्ड बंदा है जो सिर्फ प्रैक्टिकल सीख के आया हुआ है या कोई नर्स एड है उसको एज अ नर्स उसे यूटिलाइज करें या किसी मिडवाइफ LHV को एज अ नर्स यूटिलाइज करें तो उसके लिए वो पे क्या करते हैं उसको 10,000 12,000 15,000, लेकिन उसकी जो नर्स है जो एक क्वालिफाइड नर्स है उसकी सैलरी क्या है 30,000 से 40,000 तक, तो उन्हें हाफ हाफ की बचत हो रही होती है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आंसरेबल कौन है? वो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसे रखा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं
के मेंटेन करने, करेक्ट पॉलिसी और प्रोसीजर्स को प्रोवाइड करना, सुपरविजन और डायरेक्शन एज नीडेड टू अवॉइड एरर्स और हार्म। और ऐसे बंदे को जब रख लेते हो तो उसका सुपरवाइज भी करो ताकि जो हार्म है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हों। ठीक है, देयर फॉर इफ अ नर्स एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ हॉस्पिटल, कोई भी नर्स जो कि एज अ एम्प्लॉय काम करती है किसी भी हॉस्पिटल में, इज गिल्टी ऑफ मेल प्रैक्टिस, वो मेल प्रैक्टिस के लिए गिल्टी होती है, द हॉस्पिटल ऑल्सो बी नेम्ड इज इन द सूट। अगर इफ़ अ नर्स एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ हॉस्पिटल, अगर नर्स जो है किसी हॉस्पिटल में काम करती है और वो गिल्टी है मेल प्रैक्टिस के लिए कि वो गलत काम कर रही है, सही प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो उसमें वो नर्स इस सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कोई नर्स जो है किसी हॉस्पिटल में रहते हुए उसने गलत काम किया और मरीज के रिश्तेदार ने उसके ऊपर केस कर दिया है, उसको जो है उस पर सू कर दिया है और उसे बुला लिया गया कोर्ट के अंदर, तो उसमें हॉस्पिटल ही आंसरेबल है। ठीक है, ठीक हो गया, उसमें वो भी आंसरेबल है। अच्छा, सुपरवाइजरी लाइबिलिटी में क्या है, इन द रोल ऑफ क्लिनिकल लीडर, चार्ज नर्स यूनिट मैनेजर और सुपरवाइजर और एनी अदर रोल दैट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन सुपरविजन और डायरेक्ट। अब यहाँ पे आगे सुपरवाइजरी रोल, यानी कि सुपरवाइजर जो काम करते हैं नर्सिस के आसपास और अपने एम्प्लॉयज़ के आसपास, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या नर्सिस भी, खुद नर्सिस भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम की। ठीक है, यानी कि उसमें आपके सुपरवाइजर्स आ गए, नर्सिस आ गई, जो जॉब डेलीगेशंस करते हैं, आपकी एलोकेशंस करते हैं, आपको बेड्स देते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब किसी जूनियर बंदे को ये सिक पेशेंट दे देते हैं आईसीयू में या किसी और वार्ड में, और वो पेशेंट का कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है, कोई इशू बन जाता है कि पेशेंट सिक हो गया है और उससे मैनेज नहीं हो रहा, अटेंडेंट ने शोर डाल दिया, तो उसके लिए जवाबदेह कौन होता है, वो सुपरवाइजर होता है जिसने गलत बंदे की ड्यूटी लगाई है, अनट्रेंड बंदे की ड्यूटी लगाई होती है, तो वो आंसरेबल होता है। ठीक है, ये क्या था, ये लाइबिलिटी थी और इसकी टाइप्स थी। द सुपरवाइजिंग सुपरवाइजिंग नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग गुड जजमेंट इन अ सुपरवाइजरी रोल। जो नर्स जो एज अ सुपरवाइजर रोल प्ले कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो गुड अपनी जो अथॉरिटी है उसकी एक्सरसाइज प्रॉपर करे, गुड जजमेंट दे सुपरवाइजरी रोल में, इंक्लूडिंग मेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस, ठीक है, अबाउट असाइनमेंट्स एंड डेलीगेशन ऑफ टास्क। ठीक है, मिशेल मुझे नहीं पता कि क्या इशू आ रहा है, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है कि आप लोगों का आवाज़ ठीक है। आज मुझे लगता है कि नेट का इशू चल रहा है ओवरऑल हर तरफ, तो शायद इसी वजह से मेरी तरफ भी हो। तो अब आप ऐसा करो ना कि मैं आपसे एक वो पूछती हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, हम इसकी थोड़ी सी ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। आवाज़ का इशू आ रहा है तो आप मुझे मैसेजेस कर दो। मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी इस तरह का चीज़ को फेस किया है, इस तरह की बात को, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहा गया कि आप इस तरह से इंजेक्शन लगा दो या वाइटल साइन ऐसे लो। हाय स्मार्ट, शुक्र किया करो, खैर उतना नहीं है। अब जैसे कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो वाइटल साइन के लिए या किसी मेडिसिन के लिए, और आपको बात में ऐसे ही है, कभी भी कोई इशू इस तरह का कभी आपने फेस किया हो, आपको कभी सीनियर ने किसी ने मशवरा दिया हो, या आपको या कोई कर रहा हो और आपको पता है कि वो चीज़ गलत है, वो रॉन्ग एक्ट है, वो मेल प्रैक्टिस है, नेग्लिजेंस है, तो वो आप मेरे साथ शेयर करो। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ और जल्दी से, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हाँ जी बताओ,
हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल में टीम लीडर का यही रोल होता है। नजफ कह रही है कि मैम इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है तो सारे इंजेक्शन हाँ एक ही ट्रिप में डाल के लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ नजफ ने बिल्कुल ठीक कहा। उज्मा कह रही है कि मैम एक दफ़ा मेल वार्ड में ड्यूटी लगी थी और हमें कहा गया था कि बेड मेकिंग आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन हमें जो है वो फोर्सफुली बेड मेकिंग करवाई गई थी और वहीं की सुपरवाइजर ज़रा प्रोफेशनल बिहेव नहीं कर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है, ये सारी बातें ठीक है। सहर कह रही है कि मैम एक इंजेक्शन है उसे बीपी के पेशेंट को देते हैं तो वो हाफ से भी कम देना होता है, बट हमें पता नहीं था तो सारा ही बना दिया और अभी जस्ट इंजेक्शन में फिल किया था तो स्टाफ नर्स ने उसे कहाँ गया है? मैसेज क्यों डिलीट कर दिया अपना? किसने डिलीट किया? किसका था? शहर का था मेरा ख्याल मैसेज। शहर क्यों अपना मैसेज डिलीट किया आपने? अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था मुझे तो वो। हाफ से कम करना था बट हमें पता नहीं था तो वो हमने सारा ही बना दिया और अभी जस्ट इंजेक्शन काफ़ी अभी फील ही किया था तो स्टाफ नर्स ने देख के फौरी उस इंजेक्शन को वेस्ट किया और अपने से पड़े इंजेक्शन को थोड़ी क्वांटिटी में पेशेंट को दिया। अच्छा कौन सा ऐसा इंजेक्शन था सर? कौन सा इंजेक्शन था वो? ये सहरू निशा है, ये सहर कमल है। सहर कमल, अच्छा। मैम ये तो स्टाफ की नेगलिजेंस है, हमें पहले बताना चाहिए था कि ये क्या है और कितना और कैसे देना है, तब हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो कैसे पता होता हमें। हाँ जी सहर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसका इसका प्रोटोकॉल ये होता है, ऐसे कामों का तरीक़ेकार ये होता है कि कभी भी आप किसी काम को डायरेक्टली हाथ नहीं डालते, आप हमेशा पहले पूछो स्टाफ के पास खड़े होके कि सिस्टर इसको कैसे फिल करना है, इसको कैसे लगाना है, और जब तक आपको ये चीज़ क्लियर ना हो तब तक आप इंजेक्शन ना लगाओ। आप बार बार उसकी डोज देखो और बार बार जो है वो इंजेक्शन को चेक करो कि इसकी एक्सपायरी क्या है, डोज देखो, डोज पढ़ो। और जब तक आप देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप इंजेक्शन देने लगे हो, कोई भी मेडिसिन आप देने लगे हो, तो हमेशा एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने उसके
उसकी डोज चेक करनी है कितने मिलीग्राम्स का है या कितने ग्राम्स का है। जब आप वो देख लोगे तो फिर उसके बाद आप ये देखो कि एडवाइज्ड क्या है, ठीक है, कहा क्या गया। अब जैसे कहा गया है आपको, कहा उन्होंने डॉक्टर ने कि इसको 40 mg इंजेक्शन लगा दो, ठीक है, लैसिक्स 40 mg लगा दो, तो एक लैसिक्स कितने एमजी का होता है? हाँ जी बताओ, लैसिक्स कितने एमजी का होता है? जी लेसिक्स कितने एमजी का होता है? अच्छा टाइम शॉर्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, लेसिक्स जो है वो 20 mg/ml होता है, ठीक है। उस दिन काफ़ी पेशेंट थे, ठीक है। अभी अभी इशू वाला क्या है कि ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने लिख दिया कि 20 mg लेसिक्स लगा दो। अब एक जो लेसिक्स होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है 100 mg का नहीं होता शहर, जो लेसिक्स है उसके ऊपर लिखा होता है कि जो है ना 100 के 20 mg। बस 2 मिनट रह गए हैं, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा लैसिक जो है उसके ऊपर लिखा होता है 20 mg, ठीक है। तो लेकिन साथ अगर आप उसको जब तक क्लियर नहीं पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ की सही तरह से आप उसको जो है वो डोज आप बना नहीं पाओगे। 20 mg तो लिखा होता है लेकिन साथ उसको क्लियरली पढ़ना है 20 mg/ml होता है, लेकिन जो लैसिक्स है वो होता है 2 ml का, ठीक है। तो इट्स मीन के उसके पर एम एल के अंदर 20 mg है, तो 20 mg 20 mg हो गया 40 mg। तो इसलिए जो है हमने जो पेशेंट को ये डोज आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने एक इंजेक्शन लगाना है या 2 इंजेक्शन लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ऑर्डर के साथ और मेडिसिन के साथ मैच करो तो आपकी क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो बाकी अब दोबारा जब लेक्चर होगा तो फिर हम उसमें देख लेंगे। चलो ओके, खुदा हाफिज़, टाइम हो गया।